हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ अप्रोच लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली चाहे वो बैंक हो गया, एसएससी हो गया, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो मैं उसके बारे में, अप्रोच के बारे में आप बताऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस की। ये आप स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं लिखे हुए, कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इन 200, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इन 200, मतलब जो लॉस परसेंट है वो भी सीपी पर निकल रहा है और प्रॉफिट परसेंट है वो भी सीपी पर निकल रहा है। ये फॉर्मूलेस होते हैं कुछ। अब इसमें दो टर्म और आती हैं, एक आता है एमआरपी, एमआरपी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इनकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, अभी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि बहुत बेसिक सी अप्रोच एक मैं बताऊँगा जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी एग्ज़ाम्स में। अगर वैसा अप्रोच आप लगेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आगे लगाएंगे, तो ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। पहले आप अपने बेसिक नॉलेज से लगाइएगा मैं जो क्वेश्चन अभी बताऊँगा, फिर ये जो मैं अप्रोच बताऊँ उससे लगाइएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो मैं अप्रोच आपको बताऊँगा। तो मैं इनमें से कोई भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ। पहले तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट लगता है या लॉस परसेंट लगता है, तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी किसी कंपनी ने कोई चीज़ बनाई, अब वो जिस रेट पे बनाते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, फिर उस पर वो कुछ प्रॉफिट लगाती है तब उसको मार्केट में सेल करती है, वही सेलिंग प्राइस होता है। अगर वो जितने की बना रही है उससे कम रुपए में वो मार्केट में सेल हो रही है तो वो उसका लॉस हो जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, ये पेन ₹2 का अगर सपोज बना हो, ठीक है, मार्केट में ये बिक रहा है ₹3 का, ठीक है, तो ₹1 क्या हो गया इसमें ऐड हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो एक इसका प्रॉफिट है। ₹1 क्या है, प्रॉफिट है। मतलब जब भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट परसेंट आए और लॉस परसेंट आए, वो हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी पे जब आप प्रॉफिट परसेंट अप्लाई करोगे या लॉस परसेंट अप्लाई करोगे, तब जाके आपका एसपी बनेगा। अगर कोई चीज़ ₹100 की है, उस पर 10% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो जब इस जो ₹100 की चीज़ है उस पर अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% प्रॉफिट मतलब ₹110 उसका एसपी होगा। या अगर 10% जो है वो लॉस हो रहा है, तो 100 पर अगर 10% लॉस हो रहा है तो वो होगा एसपी, बनेगा जाके कितना, 90 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, सीपी कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट परसेंट अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस परसेंट अप्लाई करते हैं, और हमारा बनता क्या है, सेलिंग प्राइस बनता है जाके, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, क्वेश्चन से हम चीज़ें समझते हैं। मैं ये छोटी छोटी अप्रोच और भी हर वीडियो में आपको समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर होगी। पहले तो हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, वेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹770, मतलब ₹770 में सेल कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट। अब सेल करा जा रहा है तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। ये सब लिखना नहीं होता एग्जाम्स में, मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ कैलकुलेशन आप दिमाग में ही कर लोगे, बहुत नॉर्मल सी है। और लॉस परसेंट जो कितना है, वो 12 1/2% है, इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस। अब मैंने बताया आपको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट किस पर होता है, सीपी पे होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, मतलब सीपी आपको फाइंड करना है, सीपी आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज क्या गिवेन है, लॉस गिवेन है, तो लॉस परसेंटेज को मैंने उठा लिया। अब मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, 12 1/2%, सॉल्व करो इस परसेंटेज को, 25/2%। अगर परसेंटेज का साइन हटा के मैं सॉल्व करूँ, 2 × 100, 25 4, दैट इज 1/8, ठीक है, 1/8 इसको सॉल्व कर कर आया। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट किस पर होता है, सीपी पे। तो ये 1/8 जो आया है इसका मतलब क्या है, अगर 8 सीपी होगा, अगर 8 सीपी है तो उस पर 1 रुपये, एक मतलब 1 यूनिट, रुपये नहीं बोलूंगा, का लॉस हो रहा है। अगर 8 सीपी है तो लॉस कितना होगा, 1 होगा। अगर 8 सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और लॉस 1 हो रहा है,
1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो SP हमारा कितना होगा, 7 होगा, नहीं होगा, SP7 होगा, कॉस्ट प्राइस 8 है और उस पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 7 SP होगा। अब SP तो हमें गिवन है 770, दैट मीन्स ये भी SP है, निकल गया है यहाँ से, 7 यूनिट इक्वल टू 770 रुपीज़। 7 से जब हम कैंसिल करेंगे 110, तो 1 यूनिट इक्वल टू 110। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8, तो यहाँ दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इधर 8 से करूँगा तो यहाँ 8, इधर 8 से करूँगा 880, तो हमारी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 880। और 8 यूनिट कितना, क्या 8 यूनिट किसकी वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस की, हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 880 इज़ योर आंसर, 880 इज़ योर आंसर, क्लियर है। मतलब जो भी परसेंटेज गिवन होगा उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, और जो नीचे वैल्यू आएगी वो कॉस्ट प्राइस होगी, ऊपर वाली डिपेंड करेगी, अगर लॉस परसेंटेज गिवन है तो लॉस, अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट होगा, वो उसी हिसाब से हम SP निकाल लेंगे, अगर प्रॉफिट गिवन होगा तो उस हिसाब से SP आएगा सेम वैल्यू। तो ये अप्रोच आप क्वेश्चन में लगा के देखिएगा, अभी नॉर्मल सी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी इसी टाइप का है, अ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹1470, ये सेलिंग प्राइस है, सेल्स बोल रहा है, 16 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, आपके प्रॉफिट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस निकालना, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा और उठा लिया ताकि क्लियर हो जाए और जो भी डाउट हो। 16 2/3% सॉल्व करते हैं, 50/3% परसेंटेज का साइन अगर हम हटा के सॉल्व करेंगे तो 3 × 100, 51 52, दैट मीन 1/6। अब ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, वो लॉस था, दोनों CP पे होते हैं, तो ये जो है ये भी CP है, ऊपर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट है। अब अगर कॉस्ट प्राइस 6 है और उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 7 SP होगा, 6 और 1 7 जुड़ जाएगा ना, क्योंकि इसमें घटेगा क्योंकि ऊपर लॉस था, 8 में से 1 घटेगा तभी 7 आएगा, तो अब इसमें जुड़ जाएगा 7 आया। अब जब 7, तो SP7 है और SP अलग भी गिवन है, 1470 ये रुपीज़ में गिवन है, यूनिट में, 7 1 जा 7 2 जा 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 210, हमें निकालना है कितने की है, कॉस्ट प्राइस निकालना है जो कि कितना है 6 है, जब हम 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 इधर 12, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1260, तो 1260 1260 इज आंसर, क्लियर। जो भी परसेंटेज होगी उसके उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। अब ये जो मैं नीचे CP ले ले रहा हूँ, इसमें CP मैंने बताया क्योंकि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमारे CP पे होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो हमारा लॉस है वो SP पे हो रहा है या प्रॉफिट जो है वो SP पे हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, प्रॉफिट के बाद कुछ भी SP CP किसी पे नहीं, जब किसी कुछ नहीं लिखा होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही ट्रीट होता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, अ शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब जो 20% प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, वो किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो अब जो इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो नीचे की जो वैल्यू होगी वो CP नहीं होगी, वो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ इंडिकेट करके बोल दिया है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं हो रहा है। अगर नहीं बोलता है तो कॉस्ट प्राइस ही ट्रीट करते हैं, तो अब इधर देखते हैं, अ शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, वॉट इज हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पर उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, अगर सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, तो पहले तो हमें जो गिवेन है 20%, हमने वो लिख लिया, 20% को हमने सॉल्व करा, 20/100 विच इज़ 1/5। अब ये प्रॉफिट किस पर है, सेलिंग प्राइस पर है, तो ये SP हो गया, है क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही हो गया, तो CP कितना होगा, CP अब हम निकाल लेंगे, जब सेलिंग प्राइस 5 है और प्रॉफिट उस पर 1 हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, SP - CP, अगर SP आपका 5 है, प्रॉफिट 1 है, माइनस CP, तो CP की वैल्यू जो निकल, CP माइनस का थोड़ा जाके प्लस का, तो 5 - 1 विच इज़ 4, 4 वैल्यू आ जाएगी, तो 4 CP 4 आ गया। अब यहाँ ये नहीं बोला कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, आप 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस के इक्वल कर दो, नहीं, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, किसका परसेंटेज, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट ऊपर रखा जाएगा, प्रॉफिट कितना है हमारा 1, तो 1 ऊपर। अब किसके किस पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालना, ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो 4 नीचे लिखा जाएगा। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हम पता है 100 से मल्टीप्लाई करते थे जब परसेंटेज निकालते हैं, विच इज़ 25%, 25% विच इज़ बी इज़ योर आंसर,
क्योंकि प्रॉफिट परसेंट किस पर बोला ना, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना, कॉस्ट प्राइस इतना, मल्टीप्लाई 125% इसका आंसर। अब ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम्स में, अगर आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये माइंड में इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी और ये सीधे निकल के वैल्यू आ जाएगी। और ये सब कैलकुलेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अप्रोच आप रखिएगा, परसेंटेज हमेशा जब ब्रेक करेंगे तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो अगर स्पेसिफिकली दे रखा है एसपी तो एसपी होगी, अदरवाइज सीपी होगी। डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, वो ऊपर वाली वैल्यू होगी, बाकी थर्ड वैल्यू अपने आप निकल आएगी, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आप निकाल सकते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये भी एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं आपको। मैं और भी अब इसके आगे के पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन का लेवल हल्के बढ़ाता रहूंगा और डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन मैं बना के लाऊंगा। बाकी आप इस अप्रोच को देखिए, ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।